गोक्सो के साथ हुई मुठभेड़ को लेकर अब गाजियाबाद पुलिस घिरती नजर आ रही है। दरअसल 7 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनमें से एक के परिजनों का दावा है कि पुलिस ने उनके नाबालिग बेटे को बालिग बता करके जेल में भेज दिया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल 11 नवंबर को लोनी बॉर्डर थाने के तत्कालीन SHO राजेंद्र त्यागी ने गोक्षी की सूचना पर टीम के साथ बेटा हाजीपुर के एक गोदाम में छापा मारा था। पुलिस का दावा है कि गोक्सो ने गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। पुलिस की ओर से चली गोली में 7 तस्कर घायल हो गए थे। हैरत की बात यह है कि सभी तस्करों को गोली एक ही जगह लगी थी। पुलिस की इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े हुए थे। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें अशोक विहार का रहने वाला आसिफ और उसका भाई इंतजार भी शामिल है। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें अशोक विहार का रहने वाला आसिफ और उसका भाई इंतजार भी शामिल है। आसिफ की मां समीना ने बताया कि आधार कार्ड के हिसाब से उनके बेटे की उम्र 16 साल है जबकि इंतजार 20 साल का है। समीना ने बताया कि उनके पति की मौत हो चुकी है जबकि उनके दोनों बेटे गोदाम में ड्राम धोने का काम करते हैं। SHO राजेंद्र त्यागी को जनरल डायरी लीक करने पर सस्पेंड कर दिया गया है तो वहीं SHO के समर्थन में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर खुलकर सामने आ गए हैं। विधायक ने इस मामले में SP और SSP को लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि SP और SSP ने त्यागी को बुलाकर कहा कि अगर गौ तस्कर माफिया सलीम पहलवान के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं और गौ तस्करी के मामले में BJP और हिंदू संगठन के नेताओं के नाम लेते हैं तो उन्हें त्यागी को बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ में आदित्य शर्मा। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Kom. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. Namaskar, main hu Aman Yatan Verma. Hello, I am Ritu Singh. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi. Namaskar, main Manoj Tiwari. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching.